देखिए बीजेपी का भी यही नैरेटिव था और आम आदमी पार्टी का भी यही नैरेटिव है कि ये लोग जो है ये बांग्लादेशी है, बाहर के हैं, ये लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, इलीगली आए हुए हैं। पर जबकि ये ऐसा नहीं है, वहाँ के कई वीडियोस आए हैं, वहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, और मुसलमान जो है हमारे देश के लोग हैं, हमारे ही देश के, बंगाल से आए हुए कुछ है, कोई यूपी से आए हुए, कोई बिहार से आए हुए, और अतिक्रमण करवाते हैं, अब बुलडोजर चलाने का ड्रामा कर रहे हैं। ये दंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग जगह पे बसाकर भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में सुनियोजित तरीके से दंगे करवाए। 3400 दंगे हुए 4 साल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के मंत्री ने, सरकार के मंत्री ने संसद में बयान दिया। और जब उनसे पूछा गया कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कह रहे हैं हमें पता नहीं कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। 8 साल से घास छील रहे हो तुम। देश के प्रधानमंत्री की कितनी बार मीटिंग हुई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ, विदेश मंत्री स्तर पे मीटिंग हुई, विदेश सचिव स्तर के मीटिंग हुई, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया? क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सुनियोजित साजिश के तहत पैसे दे देकर उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्से में दंगे करवाती है। तो एक तरीके से ये सेम नैरेटिव जो है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, वही नैरेटिव आम आदमी पार्टी चलाती है। आम आदमी पार्टी जितना बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा के लोगों के बीच में डिफरेंसेस खड़ा करने की कोशिश करती, वही लाइंस के ऊपर आम आदमी पार्टी भी चल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर देखिए आपने इसमें, इस विषय में कोई भी सामने नहीं आया, एक व्यक्ति सामने नहीं आया, क्योंकि उनको भी वही चाहिए जो बीजेपी को चाहिए, वही लाइंस के ऊपर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वही वोट बैंक को वो लोग टारगेट करना चाहते हैं, उनको उसी वोट बैंक में सेन लगाना है, इसलिए वो वही लाइंस पे चल रहे हैं जो जिस लाइंस पे बीजेपी चल रही है। वही उनका भी ये कहना है कि भाई ये मुसलमान जो है ये बाहरी है, जबकि ये हमारे देश के लोग हैं, उनके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास में पूरे के पूरे कागजात हैं जो प्रूफ करते हैं कि भाई वो हमारे देश के नागरिक हैं। ये वही लाइंस पे चलना चाहते हैं जिस लाइंस के ऊपर बीजेपी चलना चाहती है। जैसा बीजेपी पोलराइजेशन करके हिंदू वोट्स की राजनीति करना चाहती है, वही राजनीति में से अपना हिस्सा बटोरने के लिए आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। पहले राजनीति हुआ करती थी रोटी कपड़ा और मकान की, अभी रोटी के जगह इन्होंने बीफ की राजनीति चालू कर दी, बीफ और मटन की दुकान के ऊपर राजनीति होने लगी, कपड़े के जगह हिजाब की राजनीति होने लगी, और मकान के जगह बुलडोजर की राजनीति होने लगी। यही लाइंस के ऊपर अब आम आदमी पार्टी चल रही है। एक प्रोपोगंडा जैसे बीजेपी चलाती है, वैसे ही प्रोपोगंडा आम आदमी पार्टी चला रही है कि देखो हमने कितना क्या कर दिया, जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा करके बीजेपी एक नैरेटिव बनाती है, वही लाइंस के ऊपर आज अरविंद केजरीवाल चल रहा है। आप कोई भी टीवी चैनल खोल लो, आपको सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल ही नज़र आएगा। हर 5 मिनट में एडवर्टाइजमेंट है, हर छोटे छोटे ब्रेक में एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपके स्कूल्स इतने अच्छे हैं तो वो स्कूल्स को दिखाइए। आप एक 5% स्कूल को अच्छे बनाएंगे और उसके बाद में बताएंगे कि देखिए कितना अच्छा मॉडल हम चला रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। पर दिल्ली के लोगों को असलियत मालूम है, और ये असलियत अभी धीरे धीरे पूरे दुनिया को, देश को मालूम पड़ जाएगी। अगर से आम आदमी पार्टी के नेता विरोध में बयान देते कि हाँ भाई ये जो हाथों में तलवारें लेके चल रहे हो आप, तमंचे लेके चल रहे हो, मस्जिदों के सामने खड़े होके धार्मिक मुद्दों पे बेहुदा नारे लगा रहे हो, भड़काऊ नारे लगा रहे हो, तो अगर से ये इसके विरोध में बोलते तो क्या इनकी राजनीति पे कुछ इफेक्ट पड़ता? देखिए इनका टारगेटेड वोट बैंक है, ये चाहते हैं कि हम उसी वोट बैंक के ऊपर कॉन्सनट्रेट करें जहाँ इनको लग रहा है कि मेजॉरिटी वोट्स है, और उनको दिख रहा है कि मेजॉरिटी वोट्स जो है वो हिंदुओं के वोट्स है, क्योंकि इसमें अब जो हमारा बहुजन समाज है, SC ST OBC है,
ये इनके बहकावे में आ गए हिंदू मुस्लिम के जो वोट डिवाइड और करने का जो इनका षड्यंत्र है भाजपा का, अब उसमें से ये अपना हिस्सा चाहते हैं, इसलिए ये वही लाइंस पे चल रहे हैं जिस लाइंस के ऊपर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस ने कभी ऐसा ये काम किया नहीं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी रही है, सेकुलर राजनीति किया है इसने, हर किसी को साथ में लेके चलने का काम किया है, इसलिए कांग्रेस कभी इसमें जाता नहीं। इसलिए इन्होंने कांग्रेस के ऊपर स्टैंप लगाने की कोशिश किया है कि ये मुस्लिम पार्टी है, ये मुस्लिमों को फेवर करती है। अगर आप हम सबको अगर साथ में ले रहे हैं, सबकी बात बराबर बराबर कर रहे हैं, अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें स्टैंप लगाते हैं कि ये तो मुस्लिम फेवरिंग पार्टी है। ऐसा नहीं है, हमने हर किसी के लिए आवाज़ उठाई है। इस देश को कांग्रेस ने बनाया है, इस देश को कांग्रेस ने संविधान दिया है जिसमें सबको बराबर बराबर हक दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन नियुक्त करने का काम भी कांग्रेस ने किया है। उस समय नेहरू जी चाहते थे कि वो इस रोल में सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ले, क्योंकि उनके पास में वो उतना नॉलेज था, उनका नॉलेज का को रिकग्नाइज करके उनको सही जगह पे उनको सही जिम्मेदारी दी गई, जिसका आज हम देख रहे हैं कि हमारा संविधान कितना खूबसूरत है, सबको बराबर बराबर हक दिया है। हमारे देश में जो प्रथाएं चलती थी इतने सालों से, कुप्रथाएं, उन सबको ख़त्म करके हर व्यक्ति को बराबर बराबर का दर्जा दिया है हमारे संविधान ने। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है जिन्होंने मनुवाद चलाया इतने साल तक, वर्ण व्यवस्था चलाया, जिन्होंने अपने आप को एक सुपीरियर समझा, उनके पेट में दर्द होता है कि नहीं, हम अब ये सभी लोगों को बराबरी में ला के खड़ा कर दिया संविधान ने। तो ये बात है।